नमस्कार सर, मैं मंजीत कुमार, मंजियाना पंचायत वार्ड नंबर 5 चकोलगढ़ से। हमारे गांव में दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं और उसको देखते हुए हमने ये अपने सभी भाई भाइयों ने और हमारे गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने और सारे गांव ने हमारा सहयोग दिया। उसके लिए हमने सैनिटाइज़ करने के लिए एक कदम उठाया है और जिसके कारण हमने पूरा ही गाँव आज जो सैनिटाइज़ करने का पूरा जो प्रावधान करा उस चीज़ का, और उसमें हमारे गाँव ने काफ़ी साथ दिया। और इसके लिए मेरा तो यही है सभी से, गांव वालों से और सारे मतलब अपने मझैरना पंचायत से, कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे की मतलब जो कोविड वाले आ रहे हैं हमारे बंदे उनकी हेल्प करें। और ऐसा नहीं है कि हमें जो बंदे कोविड आ रहे हैं उसको ऐसे छोड़ दें, उसको ऐसे नहीं छोड़ें, उसकी हेल्प करें और उसका जितना हो सके उतना मतलब दूरी बना के उसका साथ भी दें। धन्यवाद। वार्ड के अंदर अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? हमारे वार्ड में सर पहले थे ना, हमारे वार्ड में थे टोटल 6 पेशेंट थे। उसमें जो है मतलब एक की डेथ हो चुकी है, एक दो रिमूव हो चुके हैं और अभी आज केस एक और आया और 3-4 जो है बिल्कुल एक्टिव है अभी। हाँ जी, हाँ जी सहयोग सर, जैसे कि हमने अपने गांव वालों के साथ बैठ के बात करी, उन्होंने मतलब अपना जैसे भी 30-50 तो जितने भी मतलब पैसे थे उन्हें इकट्ठे करके फिर उस हिसाब से हम पूरे गांव को, पूरे वार्ड को सैनिटाइज कर रहे हैं घर घर जाकर। वैक्सीन के लिए सर हमारी पंचायत भी जो है मतलब इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है, मैं भी खुद प्रोत्साहित कर रहा हूँ और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, वो भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं हर एक बंदे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष कुमार जी, जुड़े हुए हैं जो कि पहले हमारी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पंच रह चुके हैं। ये भाई जी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काकू कुमार ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी हमारा साथ देकर पूरे गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं और हो सके तो हम पूरी हेल्प कर रहे हैं हर एक चीज़ में। यहाँ पे जो है बहुत। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके लिए आपने किया कि लोगों तक सैनिटाइजर जो है। हाँ जी, वैक्सीन जागरूक सर, जैसे कि हम घर घर में जाके सभी को बोल रहे हैं कि अपना मास्क यूज़ करो, जिसके पास मास्क नहीं है उसको हम मास्क भी प्रदान करने की जो है मतलब योजना शुरू कर रहे हैं एक दो दिन में। और जो टीकाकरण है हमारा वैक्सीन का जो है, तो उसको हम जिनको पता नहीं लग रहा है वैसे तो हम अपने ग्रुप में डाल दे रहे हैं कि हाँ इस जगह पे जो आज जो टीकाकरण हो रहा है वैक्सीन लग रही है कोरोना की, अगर कोई बंदा नहीं पता लग रहा है तो उसको हम घर जाकर बोल रहे हैं कि आज टीकाकरण हो रहा है उस जगह पे, आप उस जगह पे आप टीकाकरण अपना करवा लो। लास्ट संदेश हमारा तो यही है सर कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके कि मतलब अपनी दूरी बना के रखें किसी भी बंदे के साथ, चाहे जो अपना बंदा क्यों नहीं है, चाहे वो जितना भी अपना दिल का करीब है या अपना जितना भी मर्जी साथी, जो अपनी दूरी इसमें बना के रखें, क्योंकि आज के टाइम में अपना घर का साथी जो है मतलब वो भी एक दूसरे का साथ छोड़ रहा है इस हालात में। तो मेरा तो यही है सर, मैं तो आपके थ्रू यही बोलना चाहता हूँ कि हो सके जितना हो सके तो आप इस कोरोना से मतलब लड़ें और मतलब इस चीज़ से अपना बचाव रखें। धन्यवाद सर। Thank you for watching NT24 News, the national Tele24 News.